दोस्तों आज हम बात करेंगे ओवरसीज़ एजुकेशन की, स्टडी अब्रॉड की, जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, और दूसरी क्या सिनारियोज़ बनने वाला है और कैसे आप अपनी फर्दर एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम एक रिपोर्ट देखेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया की, जिसके अंदर एक सर्वे कराया गया और उसमें बताया गया कि 91% आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, 91% ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया आर रेडी टू स्टडी अब्रॉड फॉर सेप्टेम्बर इनटेक इवन आफ्टर कोरोना वायरस लॉकडाउन। सभी स्टूडेंट्स जो प्लान कर रहे थे वो सभी रेडी हैं कि जैसे ही लॉकडाउन ओवर होता है ये लोग सभी ट्रैवल करने के लिए रेडी हैं। तो पहली चीज़ तो इसमें ये समझनी होगी कि जहाँ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि सेप्टेम्बर इनटेक में आपको नहीं जाना चाहिए, उसका कोई भी जेन्युइन रीज़न नहीं है। जहाँ तक मैंने कई वीडियोस देखे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप वहाँ जाके अर्निंग्स नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो कि आपका जो एम है वो है एजुकेशन का, तो स्टडी के लिए आप जा रहे हैं, आप वर्क करने के लिए वहाँ पे स्टार्टिंग में नहीं जा रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि अगर आप ये प्लान करते हैं कि आप फर्स्ट ईयर में UK या कैनेडा या ऑस्ट्रेलिया जाएँ, आपकी आप पूरी फीस निकाल लें साथ ही लिविंग निकाल लें, तो आप प्लीज़ अपना प्लान यहीं ड्रॉप कर दें। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि पूरी फीस भी आप अपने वहीं की अर्निंग से दे दें और साथ ही आपकी लिविंग कॉस्ट भी आप निकाल लें। लेकिन हाँ, अगर आपके पास एक साल की पूरी फीस है और करीब करीब मिनिमम 3 to 5 months का आपके पास लिविंग एक्सपेंसेस हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5 to 6 months बाद कम से कम आप अपना लिविंग एक्सपेंसेस वहाँ निकाल सकें। दूसरी चीज़ आपको ये समझनी होगी कि जो वर्क परमिट दिया जाता है, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, वो आपको इसी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि एक तो आप जो भी एजुकेशन बाहर लें उसके बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट वापस निकाल सकें, यानी जो आपकी फ़ीस है वो अगले वर्क परमिट के टाइम पे आप रिकवर कर सकें, जो भी आपके लोन्स हैं वो आप रीपे कर सकें। साथ ही आपको ये चीज़ देखनी होती है कि वर्क PSW के बाद में आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ है अगर आप वहाँ सेटल होने का प्लान कर रहे हैं, तो कैनेडा में, ऑस्ट्रेलिया में और UK में, तीनों में ही अभी आपका जैसे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट कंप्लीट होता है आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप वहाँ के वर्क परमिट पे अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकें। और साथ ही अगर कोई कंपनी आपको जॉब देती है तो सभी कंट्रीज़ आपको ऑफर कर रही हैं वर्क परमिट वीज़ाज आगे जाके, जिसको आप PR भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो एक सेकेंडरी चीज़ हो गई, लेकिन प्राइमरी फोकस अभी सेप्टेम्बर इनटेक में अगर आपको जाना है तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि एक साल का आपकी पूरी फीस और करीब कम से कम 6 months का लिविंग एक्सपेंसेस आपके पास ऑलरेडी है, तो ही आप प्लान करें आगे जाने का। और एजुकेशन के टाइम पे अगर आप अर्निंग करेंगे तो आप एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और वो आगे आपकी लाइफ के लिए वैसे भी अच्छा नहीं है। UK हो, कनाडा हो या ऑस्ट्रेलिया हो, एजुकेशन सिस्टम जो वहाँ पे, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे एक दिन क्लास होती है, 2 दिन क्लास होती है, ऐसा सच है कि लेक्चर के जो आवर्स होते हैं वो कम होते हैं। किसी भी अगर आप सब्जेक्ट की बुक वहाँ उठा के देखेंगे तो आपको टीचिंग आवर्स ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 50 hours पर सेमेस्टर मिलेगा, यानी एक सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा से ज़्यादा 40 to 50 hours तक पढ़ाया जाएगा, यानी मुश्किल से 12 या 15 क्लासेस आपकी होती हैं पूरे सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट की। लेकिन अगर वहीं आप सेल्फ स्टडी टाइम देखेंगे तो वो काफ़ी बड़ा होता है। हर यूनिवर्सिटी, हर कंट्री ये एक्सपेक्ट करती है कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 PM या तो क्लास में हो या फिर लाइब्रेरी में हो। ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ का फोकस रहता है सेल्फ स्टडीज़ के ऊपर और साथ ही साथ आपकी रिसर्च के ऊपर, आपके असाइनमेंट्स के ऊपर। तो आप ज़्यादा फोकस ये करें कि आप अपना टाइम लाइब्रेरी में स्पेंड करें। जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, जैसे मैं खुद भी ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे पता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम और जहाँ भी आप एजुकेशन करेंगे UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में, वहाँ में बहुत फ़र्क है। यहाँ पे आपको मेमोराइज़ करना होता है, वहाँ पे आपको मेमोराइज़ नहीं करना होता, वहाँ पे आपको रिसर्च करनी होती है और उसमें टाइम लगता है। तो स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स जो जाते हैं वो ये गलती कर देते हैं कि जो उन्होंने बैचलर्स में पढ़ा है या 12th में पढ़ा है, तो जब लेक्चर्स उनको हो रहे होते हैं तो उनको लगता है उनको सब कुछ आ रहा है और वहीं जाके सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट होती है। जो आपको लेक्चर्स में पढ़ाया जा रहा है वो सिर्फ आपको इतना बताया जा रहा है कि ये टॉपिक है, इसके ऊपर आप रिसर्च करो। जो रिसर्च के टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, यानी जो रीडिंग लिस्ट आपको दी गई है, उसमें से आप वो आर्टिकल्स पढ़ें और उसी के बेस पे अपना असाइनमेंट कंप्लीट करें। तो अगर आप इन तीनों चीज़ों को इंटरलिंक करेंगे तभी आप अच्छे ग्रेड्स ला सकते हैं और तभी आप अपनी डिग्री अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, तभी आप अपनी अच्छी जॉब सिक्योर कर सकते हैं। तो ये पर्पज़ लेके कि मैं जाते ही कमाने लग जाऊँगा, बिल्कुल भी आप ओवरसीज़ एजुकेशन का प्लान नहीं करें, फिर आप इंडिया में ही रहें तो बेटर है। लेकिन अगर आप 1-2 साल अपनी पढ़ाई पर अच्छा टाइम दे सकते हैं और अर्निंग की कम आपको टेंशन है या लिविंग एक्सपेंसेस तक कवर करने का आप सोच रहे हैं, तो
आप बिल्कुल जा सकते हैं और एक अच्छा और सक्सेसफुल करियर आप बना सकते हैं। साथ ही अभी कई सारी अपडेट्स आ रही हैं कि आईएलटीएस के बिना आप जा सकते हैं। पिछला वीडियो आप पूरा चेक करिए, उसके अंदर हमने आपको ड्यूलिंगो की सारी प्रोसेस बताई है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन भी आप प्रेस कर सकते हैं। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको जो ओवरसीज एजुकेशन की आप प्लानिंग कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, वो आपके लिए ईजी रहेगा। साथ ही मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि मेरिडियन ओवरसीज किसी तरीके का कोई भी चार्ज किसी स्टूडेंट से नहीं लेती है, सिर्फ इटली की प्रोसेसिंग चार्ज को छोड़ के। अगर आपसे कोई भी कंसल्टेंट यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूएसए का कोई चार्ज लेता है एप्लीकेशन प्रोसेस का, तो आप बिल्कुल 100% मान के चलिए कि वो एजेंसी आपके लिए सही काम नहीं कर रही है या फिर ऑथोराइज्ड एजेंट्स नहीं हैं, ऑथोराइज्ड यूनिवर्सिटी पार्टनर्स वो नहीं है। तो इस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखें। कई सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास कॉल आते हैं कि सर मैंने इतना पेमेंट वहाँ किया, ये पैकेज सिस्टम दिया, कोई पैकेज सिस्टम कहीं भी सक्सेसफुल नहीं है। 100 में से 99% चांसेस यही है कि आप किसी फ्रॉड में आएंगे। तो अपना जो स्टडी अब्रॉड का प्लान है, जो आप प्रोसेस करना चाहते हैं, वो प्रॉपर तरीके से करिए। किसी एजेंट को कोई भी पैसा आप नहीं दें तो आपके लिए बेटर रहेगा। इस बात में हम पिछले 3 दिन से फोकस कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स के कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं कि सर हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो आपको मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, कोई पेमेंट कहीं पे भी आपको नहीं करना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अगेन प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।